अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए रिस्क से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क में बरकत दे, आपके खाने का ज़ायका सलामत रखे, आपको तंदरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे, आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों को मजबूत बनाए और हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ, अपने इदारों के साथ मुखलिस और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बी। मैं बनाने लगी हूँ अफ़गानी पराठे। ये मेरे पास चीज़ें हैं, शुरू करते करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब्ज़ मिर्च है मेरे पास जो कि सुरख हो गई है, प्याज है एक बड़े साइज़ में, पुदीना है और ये मेरे पास धनिया है सब्ज़। मैं इन चीज़ों को चौपराइज करूँगी। आलू हैं एक किलो मेरे पास, जिसको मैंने छील के नमक और सुरख मिर्च कुटी हुई एक चम्मच डाल के बॉईल कर रही हूँ। आलू हमारे बॉईल हो गए हैं, अब हम इसको मैशर के साथ मैश कर लें। इसमें प्याज और ये साथ में अदरक है मेरे पास तीन टुकड़े, लहसुन है ये देखिए, सब्ज मिर्च है, ये जो मैंने सब्ज मिर्च और धनिया वगैरह चॉपराइज किया है, काली मिर्च है ये एक चम्मच। मिक्सर देखिए हमारा बन गया है, अब हम इसके लिए आटा गूंद लें। ये आटा है मेरे पास, फाइन आटा है और साथ में ये मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून ये मेरे पास बेकिंग सोडा है, नमक, नीम गर्म पानी है और इसको मैं नीम गर्म पानी इसके साथ गूंदूंगी। हमारा अच्छा सा राइस हो गया है, देखिए हम इसका इसके पेड़े बना लें। ये सुबह का नाश्ता बन रहा है, मैंने कहा कि नाश्ते में अफगानी पराठे बनाते हैं, आज संडे है क्योंकि नाश्ता ही 1 बजे होता है। बारीक कर लें, आप आलूओं के मिक्सर में चिकन भी ऐड कर सकते हैं, कीमा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तेज़ आंच पे ना पकाएं, आँच हल्की ही रखें। मैं तो वैसे भी खाना जो है ना हल्की आँच पर पकाती हूँ। माशाल्लाह से व्यूअर्स हमारे अफ़गानी पराठे बन गए हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। आप नए हमारी रेसिपी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।
माशाल्लाह से ये देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।